उड़द और सोयाबीन की फसल इस समय नवजात स्थिति में है और कुछ किसान भाइयों की ये समस्या आ रही है कि सर उड़द और सोयाबीन की फसल बरवार नहीं ले रही है और पूरा का पूरा खेत ही पीला दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि पीलेपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो किसान भाइयों ने हमें फोटोग्राफ से या इमेजेस भेजी है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उड़द और सोयाबीन की फसल में लोहा पोषक तत्वों की कमी पाई गई है। लोहा पोषक तत्व की कमी को अपन कैसे पहचाने? पौधे को अपन देखेंगे तो पौधा एक तरह से बिल्कुल हेल्दी नजर आएगा, लेकिन पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली हुई दिखाई देगी। और पत्तियों को और ध्यान से देखेंगे तो अपन पाएंगे कि जो पत्तियों की जो शिराएं होती है वो हरे कलर की ही है, जबकि शिराओं के मध्य का जो पत्तियों का जो भाग होता है वो पीला पड़ चुका है। तो ये लोहा पोषक तत्व की कमी के लक्षण हैं। अगर खेत में ज़्यादा ही लोहा पोषक तत्व की कमी होती है तो ये पत्तियाँ बिल्कुल पूरी तरह से ही पीली पड़ जाती है। और लोहा पोषक तत्व की कमी जिन खेतों में चूने की मात्रा ज़्यादा होती है या पीएच उनका ज़्यादा होता है उन खेतों में लोहा पोषक तत्व की कमी के लक्षण फसलों में दिखाई देते हैं। इसको दूर करने के लिए किसान भाई फसल की बुआई के समय जिंक सल्फे सॉरी आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई के समय खेतों में मिला सकते हैं। साथ ही खड़ी फसल में जब लोहा पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई दें उस समय पर 1% से 0.5% से लेकर या 1% आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट का घोल बनाकर अपन छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही जिन खेतों में नियमित रूप से या समय समय पर अच्छी तरह से सड़ी गली गोबर की खाद दी जाती है उन खेतों में आयरन या सूक्ष्म पोषक तत्वों अन्य पोषक तत्वों की कमी के लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से सड़ी गली गोबर की खाद अपने आप में ही एक तरह से सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ मेजर पोषक तत्वों का भी स्रोत होती है। तो किसान भाई घबराने की बात नहीं है, इस तरह से उड़द और सोयाबीन की जो फसल आपकी रुकी हुई है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पीली पड़ रही है, उसमें आयरन सल्फेट मतलब सॉरी फेरस सल्फेट का प्रयोग करें। खड़ी फसल में भी आप 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर फसल पे फेंक सकते हैं। नमस्कार।